नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपका स्वागत करती हूँ हमारे नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया में। मैं आप सभी के सामने फिर से लेकर के हाजिर हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी टॉप फाइव। जी हाँ, भोजपुरी टॉप फाइव के इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम ऐसी खबरें जो कि आपके सुपरस्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई होती है। इसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उन सुपरस्टार की सोशल एक्टिविटीज जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा वो फैलती रहती है दर्शकों के बीच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप फाइव खबरों में। सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे भोजपुरिया राजा पवन सिंह। जी हाँ, कल पवन सिंह पटना के एयरपोर्ट पहुंचे और पटना में कल उनका स्टेज शो रहा। भाई, उनका स्वागत तो बहुत ही धूमधाम से किया गया, लेकिन उनका स्टेज शो कैसा रहा वो हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। इसी के साथ साथ हमारी जो दूसरी खबर है वो हमारे भोजपुरिया राजा पवन सिंह की एक समय में हीरोइन रह चुकी नेहा श्री का है। जी हाँ, हाल ही में उनकी फिल्म रिलीज हुई है शादी करके फंस गया। अब इस फिल्म के बाद उनको शादी को लेकर के क्या विचार है आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसी के साथ साथ हमारी जो तीसरी खबर है वो हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और हमारी आम्रपाली के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में ये दोनों सोशल मीडिया पर इन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें ये जिम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाई, ये जिम ज्वाइन क्यों कर रखा है, बिकॉज अब तो आम्रपाली काफ़ी ज़्यादा फिट हो गई हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे रिपोर्ट से, इस रिपोर्ट में विस्तार से। इसी के साथ साथ हमारी जो चौथी खबर है वो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की मृगनैनी और आम्रपाली दुबे। भाई, इन दोनों का पहला होली का गाना रिलीज़ हुआ है और ये पहला होली गाना सुपर डुपर हिट हो चुका है। लेकिन व्यूज़ कितने मिले हैं सोशल मीडिया पर और कितने लोगों ने पसंद किया है आम्रपाली और अक्षरा के इस गाने को, आपको हम बताएंगे इस रिपोर्ट में। इसी के साथ साथ हमारी जो पांचवी और आखिरी खबर है वो है हमारे भोजपुरिया राजा और अक्षरा सिंह। भाई, इनके लव जो इनकी जोड़ी है वो तो दर्शकों के बीच कह सकते हैं प्यार की एक नई मिसाल बन चुकी है और हर बार इनकी लव स्टोरी कुछ नए एंगल से, कुछ नए तरीके से दर्शकों के सामने आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इन दोनों ने सोशल मीडिया पर बहुत क्यूट सी वीडियो शेयर की है जो कि हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं भोजपुरी टॉप फाइव खबरों की। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अपने वादे के पक्के हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज से कुछ समय पहले पवन सिंह का पटना में स्टेज शो हुआ था, जहाँ पर पवन सिंह का बहुत ही खास तरीके से स्वागत किया गया और पवन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी थी कि पटना में उनके स्टेज शो को दर्शकों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिला और वो बहुत ज्यादा खुश है। साथ ही पवन सिंह ने ये भी कहा था कि वो बहुत जल्द फिर से पटना आएंगे और ठीक अपने वादे के मुताबिक पवन सिंह आज फिर से पटना अपने स्टेज शो के लिए पहुंच चुके हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर पवन सिंह को एयरपोर्ट की वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी दर्शकों को दी गई है और पवन सिंह ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी है कि 24 फरवरी उनका बिहार पटना में स्टेज शो होने वाला है। तो आप सभी लोग भी जाइए और पवन सिंह का स्टेज शो देखिए। भोजपुरी राजा पवन सिंह के साथ साथ भोजपुरी के तमाम स्टार के साथ काम कर चुकी नेहा श्री को अपनी शादी और अपनी फिल्म को लेकर के क्या सोचना है, आइए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। किस तरह का विषय और क्या रोल निभा रही हैं आप? सबको मेरा प्रणाम है, नेहा श्री और शादी करके फंस गया है यार, उनके लिए जो शादी करके फंस चुके हैं और उनके लिए भी है जो फंसने वाले हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड है, शादी के बाद क्या होने वाला है, पत्नी कितना बेलन मारने वाली है, ये सब इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो कैसा अनुभव था इस फिल्म में काम करने का और अपने कलाकार के पार्टी को काम के साथ? बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा है। साधना जी मेरी प्रोड्यूसर हैं, निलेश पांडे जी, और बहुत अच्छा, मैंने पहली बार किसी मैरिड का करेक्टर प्ले किया है, इवन हम दोनों ने शायद पहली बार फर्स्ट टाइम हस्बैंड वाइफ का करेक्टर प्ले किया है। बहुत अच्छा रहा है आदित्य जी के साथ काम करके और हमारी केमिस्ट्री भी लोगों ने काफ़ी पसंद की है। मेहरारू के तानों से तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत गुदगुदाएंगी आपको, बहुत मज़ा आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेहरारू की कमाई पे जिए वाला मर्द निर्लज और निकम्मा हो खेला। वो
भोजपुरी के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनकर फिल्मी हमसफर आम्रपाली दुबे अपन फिल्म के खातिर कितना मेहनत करत बाड़े आज हम रवलोगन के यही बतावे खातिर आयल बानी। जी हाँ, निरहुआ और आम्रपाली आज अपन सोशल मीडिया पर एगो फोटो शेयर कैनी है जे फोटो में निरहुआ और आम्रपाली जिम में बड़े और आम्रपाली सेल्फी ले रहल बिया। जी हाँ, वैसे रवलोगन के बता दी कि ऐसे पहले भी कई बार देखल होई कि निरहुआ और आम्रपाली जिम में खूब पसीना बहा रहल बानी और ये सब दोनों लोगन अपन फिल्म के वजह से करत बिया। जी हाँ, वैसे आम्रपाली दुबे के जिम जाए के सबसे बड़ वजह जे रहल वो आम्रपाली के मोटापा पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खबर शुरू हो गए रहे और जे समय पर आम्रपाली प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन तले फिल्म बनावत रहली काशी अमरनाथ जे समय पर प्रियंका भी आम्रपाली के उनकर मोटापा खातिर टोक देहले रहली तब से आम्रपाली अपन फिल्म में काम करे के साथ साथ अपन फिगर और फिटनेस पर भी खास ध्यान दे रहल बिया। वैसे तो रउआ लोगन के एक खबर मिलल चुकल बा कि भोजपुरी के दो स्टार के बीच कैसन रिश्ता बा, लेकिन आज हम रउआ लोगन के बीच एगो ऐसन खबर ले बतावे आयल बानी जे भोजपुरी के दो बड़ एक्ट्रेस के लेकर के हा। जी हाँ हाँ, बात कर रहल बानी भोजपुरी के लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे और मृगनैनी अक्षरा सिंह के बारे में। जी हाँ, अक्षरा सिंह और आम्रपाली दोनों के ए होली के पहला गाना 23 फरवरी के सोशल मीडिया पे रिलीज कर देवल गेल रहे और आज हम रउआ लोगन खातिर एक खबर लेके आयल बानी कि सिर्फ एक दिन में ए गाना के 9 लाख से भी ज्यादा लोग सुन लेहले बा। वैसे पहले ही ए गाना के ऑडियो में रिलीज कर देवल गेल रहे और कल ए गाना वीडियो में भी रिलीज हो गए। जी हाँ, ऐसा पहला बार भोजपुरी इंडस्ट्री में हो गई बा कि आम्रपाली और अक्षरा सिंह एक साथ होली के गाना लेकर के आयल बाड़े। वैसे ये गाना के वीडियो में पवन और निरहुआ दोनों ही आम्रपाली और अक्षरा के पति बन गए बाटे। वैसे आम्रपाली और अक्षरा सिंह के पर्सनल रिलेशन की अगर बात कही जाए तो आम्रपाली और अक्षरा रियल लाइफ में भी दोनों बहुत ही अच्छा सहेली बाड़ी। भोजपुरी के गायक और अभिनेता पवन सिंह इन दिनों काफी खुश हैं और खुश क्यों ना हो, होली के मौके पर पवन सिंह अपने होली के गीतों से दर्शकों का मनोरंजन करने में पीछे नहीं है और फैंस भी उनके गीतों को भरपूर आनंद ले रहे हैं जिसमें पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह भी नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है पर पवन अक्षरा एक ऐसे अनोखे अंदाज से सभी दर्शकों को अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इन दिनों पवन सिंह की होली गीत हिट पर हिट होते जा रही है जिसके चलते पवन सिंह खुशी से फूले नहीं समा रहे। वहीं YouTube पर धमाल मचाते हुए पवन के सभी गाने ट्रेंड कर रहे हैं। इसी के चलते पवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो और छोटी सी वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में अनोखे अंदाज को सभी दर्शक पसंद करेंगे जो रूप आपने पहले नहीं देखा होगा। जी हाँ, पवन सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक छोटा सा वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड किया है जिसमें वो पवन अक्षरा और मजाकिया अंदाज में नजर आ रहे हैं। वीडियो दोनों के एक दूसरे के बहुत करीब है जिसे काफी ज्यादा वो क्यूट भी लग रहे हैं और साथ ही पवन ने लिखा है, कहने में खुशी है कि होली के हमारे सभी गाने अच्छे हैं और सभी को प्यार आशीर्वाद के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद और हमारी जोड़ी को इस तरह ही प्यार करते रहिए। अब तक आपने पवन सिंह का ये रूप नहीं देखा होगा लेकिन पवन सिंह को इन दिनों खुशी की इतनी है कि वे इस पल को कुछ खास करके अपने फैंस के बीच शेयर कर रहे हैं। वहीं दर्शकों ने भी इनके इस अनोखे वीडियो को पसंद किया है। तो देखा आपने हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो 5 ऐसी खबरें जो कि आपके सुपरस्टार और आपकी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई होती है। देखिए, हमने आपको जो रिपोर्ट बताई है हम उन रिपोर्ट को आपको बताते हैं जो कि आपके सुपरस्टार की फिल्मों से तो जुड़ी हुई होती है, हर चैनल आपको बताता है। इसी के साथ साथ हम आपको आपके सुपरस्टार के साथ सोशल मीडिया पर भी जोड़े रखते हैं ताकि आपके सुपरस्टार से कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आपसे कहीं छूट ना जाए। और अगर जो आप अपने सुपरस्टार के सबसे बड़े फैन है तो ये
ये प्रोग्राम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आपको इस प्रोग्राम से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो या आपको कोई भी आपके सुपरस्टार से जुड़ी कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हम आपको उस खबर की पूरी जानकारी दे सकें। इसी के साथ साथ ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल क्या टॉप के फाइव टॉप फाइव खबरों में इतना ही, मैं कल आपके सामने फिर से लेकर के हाजिर होंगी टॉप फाइव में तमाम आपके सुपरस्टार और उनकी फिल्मों से जुड़ी सबसे ज्यादा खबरें और कम समय में ज्यादा खबरों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।